तो तुम्हें फरिश्ते भी नहीं ढूंढ पाएंगे। ये वही कपड़े हैं ना जो उस दिन मनु और विदेही ने पहने थे। इंस्पेक्टर साहब, ये कपड़े कहाँ मिले आपको? जहाँ मनु की टूटी हुई साइकिल मिली, प्रधान जी उसके पास वाले तालाब में मिले। देखो, राजन ने कहा था कि किसी ने मनु को कार से टक्करवाने की कोशिश की थी। क्या तुम्हें पता है वो कौन हो सकता है? नहीं, नो आइडिया। पहले वो मां नहीं बनना चाहती थी, ऊपर से पेरेंट्स का प्रेशर, अपनी लाइफ में ना उसके ऑप्शंस ही नहीं थे। तो उन्होंने अपनी फैमिली से बात नहीं की? शायद हर किसी में हिम्मत नहीं होती अपने पेरेंट्स से ऐसे बात करने की। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? हमने तो एकदम सटीक प्लान बनाया था ना। क्या हुआ भैया, किसी को पता चल गया क्या? किट्टी और प्रिंस आए थे तुम दोनों के बारे में पूछताछ करने। देखो, प्लान के हिसाब से पुलिस को तुम्हारी टूटी साइकिल मिल गई, खून भरे कपड़े मिल गए, ब्लैंक कॉल लेटर, सारी कहानियां पता चल गई, फिर भी मानने को तैयार नहीं कि तुम अब जिंदा नहीं हो। तो तूने उनसे क्या कहा? अरे मुझे क्या कहना था, मैं कह दिया नहीं पता, पर मुझे लगता नहीं वो मेरी बात इतनी आसानी से मान गए। किट्टी की आंखों में शक देखा है मैंने। अगर उन्होंने पुलिस को बता दिया कि उनको तुम पर शक है और कहीं वो जिगर भैया का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए तो? वैदेही, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिगर, तू एक काम कर, तू यहीं रुक जा हमारे साथ, और जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता तू यहाँ से मत जा। बस आज रात की बात है वैसे भी, कल हम लोग ये बदलीपुर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। ये सही रहेगा, और जब तुम दोनों नहीं मिलोगे तब सभी ये सोच लेंगे कि तुम लोग मर गए और एक वक्त बाद ढूंढना बंद कर दिया। वही तो प्रिंस, लेटर लिखने वाली है और डायरी की हैंडराइटिंग कैसे हो सकती है सेम? वो लोग दो अलग अलग लोग हैं ना। इसका तो एक ही मतलब हुआ। तारा, तू भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ? पर तुम दोनों सोच क्या रहे हो, हमें ही बताओ। भाई दोनों एक ही हैं। दोनों? कौन दोनों? डायरी लिखने वाले और लेटर लिखने वाले। मतलब वैदेही अपने आप को लेटर्स लिख रही थी, और वो क्यों? क्योंकि वो सबको बताना चाहती थी कि कोई उसे लेटर्स लिखता है। ये भी मान लिया, कोई उसे लेटर्स लिखता है अब, और कोई इसका पीछा भी तो करता है जैसे विनी कह रही थी। ये भी मान लिया। तो अब इन दोनों को आपस में जोड़। वैदेही ने किसी और के नाम से सारे लव लेटर्स अपने आप को लिखे और सबको ये भी बताया कि कोई उसका पीछा करता है। हाँ, मतलब अगर कोई लेटर लिखने वाला है ही नहीं तो पीछा कौन कर रहा है? वो ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये सब कहानियां थी जो वैदेही ने बनाए थे। देख, अगर ये सब नकली है तो हो सकता है ये ब्लैंक कॉल्स भी नकली हो। यार पता नहीं क्या केस, जो दिख रहा है वो है नहीं और जो है वो दिख नहीं रहा। तो फिर हमारे पास तो कोई क्लोज ही नहीं है, क्योंकि ना ही वैदेही को किसी ने लेटर्स लिखे और ना ही किसी ने उसका पीछा किया। जो किया वैदेही ने किया। पर वैदेही ने ऐसा क्यों किया यार? इसी में कहीं क्लू मिलेगा यार। देखो, अच्छा मन्नू को इसके बारे में पता था या नहीं? मन्नू पे तो खुद इतना जानलेवा हमला हुआ था। वो कौन करवाएगा? कहीं ये सब भी तो प्लान नहीं वो लेटर्स के जैसे? काश जिगर को हम पकड़ लेते तो आज हमारे पास ना इन्फॉर्मेशन होती। प्रिंस, तूने पीछा किया था ना उसका? हाँ किया था, लेकिन वो बच के कहीं निकल गया। लो, गई भैंस पानी में, ले दे के वहीं आगे जहाँ पहले थे। किसने कहा है दुनिया गोल है? डोंट वरी किट्टी, आई नो कि तुम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लोगी। चलो, पहली बार बदलीपुर के प्रिंस ने मेरी तारीफ तो की। पहली बार क्यों, इससे पहले भी तुमने बोला है कि तुम बिना मेकअप के भी अच्छी लगती हो। हाँ, कब कहा? वो जी जी बाबूजी अभी आए, किट्टी में जाना है, बाय। भाई हमें तो नहीं सुनाई थी बाबूजी की आवाज। नहीं तारा, हमें सुनाई दी थी। आए बाबूजी। भैया एक काम करो, आधा किलो ये भिंडी दे दो। अच्छा नहीं नहीं नहीं, भिंडी नहीं, भिंडी नहीं, ये बैंगन दे दो, बैंगन। हाँ। अच्छा नहीं नहीं, बैंगन नहीं, नहीं बैंगन नहीं, बैंगन नहीं। एक काम करो, आलू दे दो, आलू। अरे आलू तो कल ही खाया था यार, अब क्या करूँ। एक काम करो, वो मटर दे दो। हाँ मटर, ठीक है मटर। नहीं नहीं मटर नहीं, मटर नहीं। इतना कंफ्यूज मात साहब, ये आदमी लोग इतना कंफ्यूज क्यों होते हैं मात साहब? सब्जी लेने के लिए भी कंफ्यूजन। ब्यूटी आंटी, इनके चक्कर में 4 ग्राहक चले गए, 100 ग्राम सब्जी भी ना खरीद पाए। अरे भैया खरीदते हैं खरीदते हैं, जरा चॉइस करने में समय लग जाता है। आप तो रहने दीजिए,
तू जल्दी से आधा किलो आलू गोभी और टमाटर तोल दे फटाफट। सब्जी अच्छी बनेगी, चिंता मत करिए। मात साहब पक्का दे दूं ना? हाँ लेकिन आलू तो मैंने कल ही खाए। जल्दी तोल, टिप टॉप करके रख दूंगी। हाँ दे दो भाई दे दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं पता कि आपने मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी दुविधा दूर कर दी। अपना फैसला खुद ही करना चाहिए मात साहब। अच्छा लगता है जब कोई ऐसी मदद कर देता है तो। मेरी माँ भी ऐसी कहा करती थी और मैं उनका कहा हमेशा किया करता था। आज आपको देख के मुझे मेरी माँ याद आ गई। मुझे देख के आपको अपनी माँ याद आ गई? इतने अधिकार से तो वही कहती थी ना। ज्यादा अधिकार ना, आजादी छीन लेता है जीने की। आप तो आजाद हैं, आपकी आजादी भला कौन छीन सकता है, है? और रही बात मेरी, तो मुझ जैसे अकेले आदमी को भी कभी कभी लगता है कि कोई हो जो उस पर अपना अधिकार जमाए, अच्छा लगता है। कितना हिसाब हुआ? 70 मात साहब का। हाँ। और 30 रुपए बीटी आंटी का। मैं देता हूँ ये ले। मेरे भी हो गए हिसाब बराबर। अच्छा चलिए क्या बात कह रहे थे आप? आपकी तो बात ही अलग है। एक अधिकार से आपसे कुछ बात कहूँ? हाँ कहिए ना। जब आप सब्जी बनाइएगा तो थोड़ी सी मेरे लिए भी भेज दीजिएगा, आखिर पता तो चलेगी कैसे कुक है आप। ऐसे भी बदलीपुर में एक अच्छी खबर सुने हुए तो सालों बीत गए। हाँ आए दिन पता नहीं क्या होता जा रहा है। अब ये मन्नू और वैदेही तो अब... एक बात कहूँ आपसे, किसी को कहिएगा नहीं। बेचारी की लाइफ नहीं थी, छुप छुप के आती थी मेरे पार्लर में, रो रो के कहती रहती थी सास को बच्चा चाहिए, सास को बच्चा चाहिए। मैं होती ना उसकी जगह तो घर छोड़ के चली जाती। अब हम किस किस की लाइफ में झांकेंगे। चलिए चलता हूँ, आज का मेरा कन्फ्यूजन तो दूर हो गया। आलू गोभी और टमाटर। ये लीजिए। सब्जी भेजिएगा जरूर। जरूर। कस्टमर्स आर वेटिंग यार। थाने गई है कितनी? अरे तू हमेशा यू आर सो लेट। कितनी क्या हुआ है? हाँ कुछ पता लगा वो क्या हुआ वैदाई वाला मामला? अच्छा तुझे बड़ी जल्दी है, तू एंड टाइम पे क्यों धोखा देके भाग जाता है? यार अदरक को बहुत सारे काम होते हैं। कितनी अब बताइए ना हमें क्यों बुलाया यहाँ पे? कितनी बताओ ना क्या हुआ है? हम सब लोग सुबह सुबह यहाँ इकट्ठा हो गए हैं, क्या किडनैपर का पता चल गया? मैम कोई किडनैप नहीं हुआ। तो मतलब मर्डर हुआ है? नहीं ना मर्डर हुआ है ना किडनैप हुआ है। वो दोनों खुद गायब हुए। क्या पर वो खुद क्यों गायब होंगे? मैम मैंने सारी कड़ियां जोड़ ली, अब पिक्चर एकदम क्लियर है। क्या है तेरी क्लियर पिक्चर, दिखा जरा। रुक जा तब वो बुक दे। देखिए सबसे पहले हम गए मन्नू के घर, उसके पेरेंट्स से मिले। वहाँ जाके हमने क्या देखा? कुछ प्रॉब्लम थी उन लोगों के बीच में, क्योंकि वो उन दोनों पर बच्चे का प्रेशर डाल रहे थे। उनके बाऊजी ने तो कहा था कि ये रोज का सीन था, और वैदेही के डायरी में भी तो यही लिखा था ना। एग्जैक्टली इसका मतलब वो दोनों अपने घर में बहुत परेशान थे, इसलिए दोनों ने एक झूठी कहानी बनाई। वैदेही ने खुद को ब्लैंक कॉल्स किए, खुद ही को लव लेटर्स लिखे और एक कहानी बनाई कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अच्छा अच्छा इसका मतलब वो मन्नू का एक्सीडेंट भी प्लान था। हाँ किटी यू आर राइट, ताकि सबको यकीन हो जाए कि कोई वैदेही का पीछा कर रहा है और उन दोनों की जान खतरे में और वो बैंगलोर जा सके। यहाँ पर मन्नू का जॉब लगा था, आखिर कैरियर ही तो उनकी प्रायोरिटी थी। हाँ वैदेही की डायरी में साफ लिखा था कि वो दोनों अपनी लाइफ खुद जीना चाहते हैं, अपने बेस्ट वे, ना कि जैसे उसके पेरेंट्स चाहते। इसीलिए उन दोनों ने अपने खून से रंगे कपड़े नदी में फेंक दिए ताकि सबको लगे कि वो मर गए। भाई बल्ले क्या बात है भाई, तू तो यार जासूसी में आगे निकलता जा रहा है। अच्छा सीख रहा है मुझसे, वेरी गुड।
अपना ही मर्डर का प्लान, इतना बड़ा कदम। जरा सोचो उन लोगों के ऊपर किस तरह का प्रेशर होगा जो वो दोनों ये कदम लेने के लिए मजबूर हो गए। जब जिंदगी पर वश नहीं होता ना तो जिंदगी बोझ लगने लगती है। वो अपने पेरेंट्स को समझा तो सकते थे ना, ऐसे थोड़ी करता है कोई। समझाया होगा तारा, लेकिन पेरेंट्स समझे नहीं होंगे या समझना चाहते नहीं होंगे। तो अब हम क्या करेंगे और कहां ढूंढेंगे उन दोनों को? उस जिगर ने ना पक्का इन दोनों की हेल्प की होगी, लेकिन अब कुछ नहीं बोल रहा। डर एक बहुत बड़ी चीज होती है। मेरे पास एक प्लान है, शायद जिगर का जिगर पिघल जाए डर से। ना अगर ना मगर, ओनली जिगर। हेलो। हाँ बेटा, मैं मन्नू का बाबूजी बोल रहा हूँ, समझा कर। जी जी अंकल, नमस्ते। बेटे नमस्ते मस्ते, तो सब अपनी ठीक जगह है। तू ये बता पहले, मन्नू और विधाई कहाँ है? जी मुझे क्या पता। बता दे बेटा, समझा कर, दिक्कत हो जाएगी तुझे। आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वही कह रहा हूँ जो तू सुन रहा है। मुझे सब पता है। देख, मुझे पता है कि तूने किडनैप किया है उसे, है ना? मैं क्यों करूंगा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बेटा तेरे ना बाप की उम्र का हूं मैं, होशियारी तो मत कर मेरे सामने। पुलिस तुझे सूंघते सूंघते तुझ तक पहुंच ही जाएगी, समझ गया? और फिर तुझे पता है क्या होगा, बता दे मुझे। तेरे पापा फिर अकेले गल्ले में बैठेंगे, अच्छा ही लगेगा। समझा कर बेटा। अंकल इसका फोन था? तेरे पापा का। कह रहे थे कि मैंने तुम दोनों को किडनैप किया है और पुलिस मुझे पकड़ लेगी। तुझे कैसे पता? पक्का बाबा का फोन था? अरे बात बात पर समझा कर कह रहे थे, पूरी दुनिया में उनके अलावा कोई नहीं कहता। अब क्या होगा? मुझे वापस घर नहीं जाना, वरना मम्मी जी फिर से बच्चा चाहिए की रट लगा लेंगी। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक काम करो, तुम दोनों अभी के अभी बदलीपुर से बाहर चले जाओ, वैसे तुम सामान पैक करो, चलो। क्या बात कर रहे हैं जिगर, तुझे ऐसे मुश्किल में छोड़ के हम लोग कैसे जा सकते हैं? मुझे लगता है हम लोग ऐसे सेल्फिश हो सकते हैं। मेरा क्या है यार, दुकान पे बैठना, पापा यही चाहते थे, बाहर जाने नहीं दिया पढ़ने, अब खपना है दुकान में तो खप लूंगा। कोई तेरे जैसे सपने तो है नहीं। हाँ पुलिस पकड़ेगी, एक दो दिन परेशान करेगी, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। कम से कम कोई तो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिएगा। भैया आपको सच में लगता है कि हम आपको इस हालत में ऐसे अकेले छोड़ के चले जाएंगे? देखो वैदी, तुम मेरी बात नहीं सुन। नो वे जिगर, तू एक काम कर, फोन दे मुझे। किसे कर रहा है? तू फोन दे जिन्होंने सचिन और छाया की हेल्प करी। हमारा प्लान काम ना करे, इम्पॉसिबल। हेलो, पक्का ये प्लान काम करेगा ना? अरे भाई ऐसे मामले में इमोशनल ड्रामा ही आंख बंद करके काम करता है। आप बोलिए, रिकॉर्डिंग ऑन है। मम्मी बाबूजी, कुछ कहना है आपसे, शायद आखिरी बार। शिकायत है आपसे, याद है आपने 2 साल पहले कहा था शादी कर लो, उस टाइम इतनी अकल नहीं थी, कुछ कह नहीं सकता था, लड़ नहीं सकता था। आपकी बात मान, और आप जानते थे कि मैं शादी के लिए रेडी नहीं। एनीवे थैंक यू वेरी मच कि आपने शादी के बाद मुझे और वैदेही को पढ़ने दिया। अगर सब ऐसा ही चलता तो हम खुद को समझा लेते, पर ऐसा नहीं था। आपने जिद पकड़ ली थी कि बच्चा चाहिए, पर हम दोनों भी बच्चे के लिए तैयार नहीं थे। मैं रात भर सो नहीं पाती थी बच्चे के बारे में सोच के, और शादी का मतलब सिर्फ बच्चा ही नहीं होता, मेरी अपनी मर्जी, लाइफ चॉइस, कुछ भी तो नहीं रह गई थी इस घर में। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग अपनी जिंदगी नहीं, आपकी जबरदस्ती की जिंदगी में जी रहे। क्या क्या नहीं कहा आपने, पतंग की तरह यहाँ वहाँ डोलते रहते हो, जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं। कैसी होती है जिम्मेदारी? हमारी गलती सिर्फ इतनी थी कि हम लोग अपने पाँव पर खड़े होकर अपना फ्यूचर सेट करना चाहते थे, मगर आप तो अपने ही तरीके से सेटलमेंट करने में लगे। काश आप समझ पाते कि हम क्या चाहते हैं और चाहते भी क्या थे,
अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना। ऐसे लग रहा था जैसे कोई फंदा है, रोज कसता ही जा रहा है। आपकी बातें सुनकर मेरा दम घुटने लगा था। ये भी कोई जीना है जिसमें अपनी मर्जी, अपनी पसंद कुछ भी ना हो? अपनी मर्जी से जी नहीं सकते, मर तो सकते हैं। कहा सुना, माफ कर। ये क्या कर दिया मैंने? क्या तो ये झूठ है, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जो है सामने है, अब मन को बहलाने का क्या होगा? अब तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, अब तो आप समझ ही गए होंगे। बहुत बुरा हुआ है। माँ की बातों पे कोई जान दे देता है क्या? पहले पता होता कि बच्चे के लिए कहने पर वो ऐसा कर लेगा, मैं कभी नहीं बोलती, अपना मुंह बंद रखती। मैं क्या करूं, कहां से लाऊं मैं अपना बच्चा? हिम्मत रखिए आप, अगर आप लोग ऐसे टूट जाएंगे तो कैसे चलेगा? वैसे ये बच्चे वाली बात आप लोगों ने हमें बताई नहीं, कोई अपने बच्चों को पर इतना जोर देता है क्या? कहता था ना समझा कर, इतना परेशान मत कर दोनों को। अक्सर सब कुछ हाथ से निकल जाने के बाद ही समझ में आता है। अब समझने से क्या होगा, हमने अपने बेटे की जिंदगी तो ले ही ली ना। अगर वो दोनों फिर से वापस आ गए तो आप अब भी उन पे प्रेशर डालेंगे बच्चे का? अरे हमको इसकी दुश्मन थोड़ी है, माँ हूँ मैं उसकी। जो चाहे जैसे करे, अपनी मर्जी से जिए, पर अब इन बातों का क्या मतलब? कोई एक बार मेरे बच्चे को ला दे, मेरे मन्नो मेरी वैद्यही को ला दे, मैं बोल दूंगी उससे कि जी ले अपनी जिंदगी अपने तरीके से, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। वैसे आंटी जी, जिंदगी में ना सबको सेकंड चांस नहीं मिलता, तुम्हें मिल रहा है, ले लो। सेकंड चांस मतलब? मन्नो, वैदाई, बाहर आ जाओ। मन्नो, वैदाई बेटा, मन्नो, वैदाई, भगवान का लाख लाख शुक्र है। मेरे बच्चा, तो वो सब क्या था? अच्छा, अपनी माँ को सबक सिखाने का ये तरीका ढूंढा तूने? घर चल, तुझे बताऊंगी मैं। हाँ वैसे इसका मतलब ये वीडियो नाटक था। सॉरी आंटी, हमें ये नाटक करना पड़ा, नहीं तो मनु और वैदेही की बात आप तक तो कैसे पहुंचती? आंटी जब कुछ भी करना, बस घर जाके ना बच्चा बच्चा मत करना, बड़ा बुरा सा लगता है। मान जाओ, अब तो देश आजाद है। बेटा तुम दोनों की जिंदगी है, फैसला भी तुम दोनों ही लोगे, बस खुश रहो, समझा गया? और कुछ नहीं चाहिए। मनु, तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाने से पहले जरा सोचना चाहिए था। I'm sorry मम्मी, I'm sorry बाबूजी, हम लोग पक चुके थे और हमें कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा था आपको सिखाने का। अगर वो नहीं समझ रहे थे तो हमसे बात करनी चाहिए थी, हम आपके माँ बाप को समझाते हैं। प्रधान जी, आप ही तो कहते हैं कि दूसरों के घर के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। अगर बदलाव के लिए बदलना पड़े तो हमें बदलने में कोई दिक्कत नहीं। और बदलीपुर आपके घर जैसा ही है ना? सो तो है। अरे भाई, कोई तो होना चाहिए जिससे बच्चे अपने दिल की बात कह सके। माई लाइफ माई चॉइस, कोई किसी को समझ सके, उसे समझा सके। तो इंस्पेक्टर साहब, ताकि आपका काम आसान हो सके। भाई मेरा काम तो ये बच्चे ही आसान कर देते हैं। बहुत मुश्किल था ना ये केस बेटा। मुश्किल को आसान बनाना है ना,
अदरक का दूसरा नाम है। अदरक नहीं, आधा फल। हाँ, आधा। वैसे तारा, तेरे दादाजी भी ने तो कल कह दिया कि माई लाइफ माई चॉइस। आज उन्होंने कहा, कल सब कहेंगे। फोन आ गया। करिश्मा। His life, her choice. Hello. Prince यार, कितना इग्नोर करोगे मुझे यार? ना तो तुम मेरा फोन उठा रहे हो, ना ही मुझसे मिल रहे हो। क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हें? अरे नहीं करिश्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बस यहीं पर। तुम्हें लगता है तुम्हारे सिवा मुझे कोई और इग्नोर भी कर सकता है? नहीं करिश्मा, वो तो हम मनु और वैदेही के चक्कर में फंसे हुए थे। बोल तो ऐसा रहा जैसे सारे के सारे केस इसी ने सॉल्व किए होंगे। अच्छा ये बताओ, अभी तो तुम फ्री हो ना? हाँ वो करिश्मा। फ्रेंड्स, मैंने पूछा कुछ तुमसे। डांट पड़गी। फ्रेंड्स। हाँ करिश्मा, हम बिल्कुल फ्री है। हाँ ठीक है, तो फिर मुझे मिलो कॉफी शॉप पे। ओके डन, बाय। अच्छा हम चलते हैं, बाय। बाय दारा। बाय भाई। अरे यही है जिसने हमारे चिप्स के पैकेट और जूस वगैरह चुराए थे। एक काम करते, इसी जगह वापस चलते, पता लगाना होगा ये लड़की है कौन। पकड़िए उसे। इसे से घर पहुंचाना होगा। मुझे घर नहीं जाना, वो मुझे मार देंगे। जिस लड़की को देखो मुंह लेकर यहीं चली आती है। हवेली का मान सम्मान सब खत्म हो रहा है और ये सब यहाँ नहीं चलेगा, समझी?